नमस्कार। शास्त्रीय नृत्य के इस कार्यक्रम में चयनिका की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन। इस कार्यक्रम में आपके समक्ष हम देश की तमाम नृत्य शैलियों का प्रदर्शन करते आए हैं, जहां आपने विभिन्न गुरुओं को इन नृत्य शैलियों की बारीकियों से अवगत करवाते देखा है। नृत्य और संगीत ईश्वर की आराधना करने के समान है। तीनों सप्तकों में विचरण करते स्वर मानो प्रकृति के कण कण में विराजमान हैं, और इन सुरों के साथ जब लय, ताल, छंद और अभिनय का समागम होता है, तब हमारे रोम रोम से प्रसन्नता फूट पड़ती है, विभोर हो जाती है आत्मा, और इसे हम नृत्य का नाम देते हैं। आज की इस नृत्य सभा में भी आप इसी तरह की प्रसन्नता और शांति का अनुभव करेंगे। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रकृति ने अपना सौंदर्य उंडेल कर रख दिया है, और इसी सुंदर धरती पर बसा है एक राज्य मणिपुर। और मणिपुर के नाम से ही उत्पत्ति हुई है यहाँ के शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य की। वैष्णव मत पर आधारित मणिपुरी नृत्य में राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है। अठारहवीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के विकास के साथ ही इस नृत्य का भी विकास हुआ, और 1763 में राजा भाग्यचंद्र के संरक्षण में मणिपुरी नृत्य इतना फला फूला कि लोगों के रीति रिवाजों में पूरी तरह से समा गया। इसी धरोहर को संरक्षण करती, संभालती और सृजन करती प्रोफेसर डॉक्टर श्रुति बंदोपाध्याय हैं आज की इस नृत्य सभा की कलाकार। डॉक्टर श्रुति बंदोपाध्याय ने गुरु बिपिन सिंह, गुरु कलावती देवी, पद्मश्री गुरु दर्शना झवेरी, ओझा बाबू सिंह, ओझा गौर किशोर शर्मा और प्रोफेसर जितेन सिंह जैसे प्रख्यात गुरुओं से मणिपुरी नृत्य की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में आप विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य विभाग में अध्यापन का कार्य कर रही हैं। साल 2007 और 2012 में विजिटिंग लेक्चरर, फुल ब्राइट फेलोशिप और साथ ही कॉमनवेल्थ फेलोशिप से आपको सम्मानित किया गया, जिसके अंतर्गत आपने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में अध्यापन और नृत्य प्रदर्शन किया। साल 2010 में संगीत भवन विश्व भारती शांति निकेतन से डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली कलाकार बनी डॉक्टर श्रुति बंदोपाध्याय। मणिपुरी नृत्य जगत की जानी मानी कलाकार होने के साथ साथ आप भावी कलाकारों को भी प्रोत्साहन देती रही हैं। आपके मार्गदर्शन में कई उभरते कलाकार नृत्य जगत में शोध का कार्य कर रहे हैं। ICCR और संगीत नाटक अकादमी के कलाकारों की सूची में आपका नाम शामिल है, और साल 2009 में श्री ललित कला अकादमी पुरस्कार और साल 2018 में आपको देवदासी राष्ट्रीय सम्मान से भी भूषित किया गया। आज के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति है अनंगाक्षेप। इस प्रस्तुति में राधा और कृष्ण के प्रेम का बड़ा अनूठा बखान है। राधा कहती हैं कि प्रेम के देवता अनंग देव उन्हें शिव समझ बैठे हैं, इसलिए जो बाण उन्हें शिव पर चलाना चाहिए था वो उन्होंने राधा पर चला दिया है, जिसके कारण राधा अत्यंत वेदना अनुभव कर रही हैं। वो अनंग देव से निवेदन करती हैं कि वो उन्हें कृष्ण से मिलने का अवसर प्रदान करें। Thank you.
Welcome to this beautiful evening of dance. Tonight we have with us a very renowned Manipuri dancer. She is Dr. Shruti Bondopadhyay, who is an ideal combination of a performer and scholar. Dr. Shruti Bondopadhyay is a professor of Manipuri dance at Bishwabharati University, Shantiniketan. For the last 35 years, she has been performing regularly, not only in our country, but also abroad, and has appealed to the hearts of her audience with her heart-melting performances. Dr. Shruti Bondopadhyay is an empaneled artist of Sangeet Natak Academy and ICCR. She has been awarded Visiting Lecturer Fulbright Fellowship in the year 2007 at USA and Academic Staff Commonwealth Fellowship in the year 2012 at UK. She has also been awarded Sri Lalit Kala Academy Award in the year 2009 and Devdasi Rashtriya Shamman in the year 2018. For the last couple of decades, Dr. Shruti Bondopadhyay has dedicated herself in training up upcoming learners to master the art of Manipuri dance. Now, we shall see her mesmerize the dance floor with her first performance, Ananga Aksha. Radha accuses Ananga Deva, the god of love, to have mistaken her to be Shiva. Mythology says that once Shiva had got enraged and had burnt Ananga Deva to ashes. Now Ananga Deva wants to take revenge, and Radha feels that Ananga Deva has mistaken Radha to be Shiva and thus is giving her the pain of love and is also preventing her from getting united to Krishna. Thus Radha appeals to Ananga Deva to be united with her beloved Krishna and experience the bliss of love. This entire presentation has been set to Tal Tanchip and Menku. Thank you.
Just seen the first performance of Dr. Shruti Bandyopadhyay, Ananga Aksham. We are really fortunate to have her amongst us at the studio. Welcome to the show, madam. Thank you. Vishwabharati is Tagore's own place. Yes. And long back, Manipuri dancers were invited by Tagore himself to choreograph his own songs. Yes, what kind of keen interest do you see in the upcoming learners about learning Manipuri dance? You know, the tradition of learning Manipuri dance in Vishwabharati still continues with lot of enthusiasm. The students come and there are a lot of applications that we get to get into the, you know, first the BMuse and then the MMuse courses. The seats are always full. So, you know, you can understand the enthusiasm of learning Manipuri over there. It is really very nice to hear that all the seats in Manipuri faculty are always filled up. Yes, it's always. In order to be a good Manipuri dance performer, what are the minute details that a performer needs to take care of? Actually, you know, you must, what I feel that if anybody wants to learn Manipuri, he or she first must make her mind strong enough, you know, to learn Manipuri. They should not leave it suddenly, because there are so many classical dances all around. Manipuri dancing and learning of Manipuri dance needs lot of dedication, lot of devotion, because it is based on the Vaishnava philosophy. So not only that you learn how to dance, the technique and the body, but also your mind must be immersed in the philosophy to get the real essence of learning and experiencing Manipuri dance. The mind, the body and the soul, yes. All these three factors need to blend with each other, yes, to make Manipuri dance a totally successful one. Yes, they have to be dedicated with devotion and also very keen in learning. Okay. Now, what will be your next performance? Well, I had chosen this time two items of Guru Bipin Singh. We are celebrating his centenary, birth centenary. Okay. He has composed both Anangakshep as well as Shukashari Dwanda. You have just seen Anangakshep. I will be performing Shukashari Dwanda.
Shukoshari Dwanda is basically a debate between two beautiful birds, the parrot and the maina. The parrot or the shuka supports Krishna, while maina or sari supports Radha. Both of them hail their own gods and they get into a very friendly debate. Of course, after some time, after the debates are on, they reconcile and then they dance together, hailing both Radha and Krishna together. And they say, Jayo Radha, Jayo Krishna, Jayo Radha, Jayo Krishna. That's how they end. Oh, that's really melodious. Thank you. Now, let us see her second performance, Shukshari Dwanda. Kani la kani hai na
Sang Jau Radha Krishna, Ning Jau Radha.